देखिए, पहले INS नीलगिरी, फिर INS हिमगिरी, इसके बाद एक एक करके INS उदयगिरी, INS दूनागिरी, INS तारागिरी और अब INS विंध्यागिरी। ये कुछ नाम अपने आप में भारत की नौसेना के दमखम की मुकम्मल कहानी को बयां करते हैं। भारतीय नौसेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में गिनी जाती है, तो उसकी यही वजह है कि भारत अपनी जमीन पर ही मॉडर्न वॉरफेयर के निर्माण से अपनी ताकत को लगातार बढ़ाने में जुटा है। इसी क्रम में भारत का एक और ताकतवर फ्रिगेट लॉन्च हो चुका है। कोलकाता में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युद्धपोत विंध्यागिरी को लॉन्च किया। विंध्यागिरी में कई ऐसी खूबियां हैं जो इसे समुद्र में युद्धक और राउंडर बना देती हैं। माना जा रहा है कि अगले साल विंध्यागिरी को भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा। भारत की सशस्त्र सेनाओं के साहस और सक्षम को बढ़ाने की गौरव गाथा में आज एक और नया अध्याय जुड़ गया। समंदर का किलर, भारत का नया जंगी जहाज, दुश्मनों का कान, INS विंध्यागिरी। दुश्मन लहरों पर हो या फिर पाताल में छिपा हो, भारतीय नौसेना के इस जाबाज जहाज की निगाहों से बच नहीं सकता। जिस महाबली INS विक्रांत ने हिंदुस्तान की समुद्री सुरक्षा को अभेद्य बनाया है, उसकी ताकत को धार देने के लिए अब ये नया स्वदेशी युद्धपोत सागर की लहरों पर उतर चुका है। समंदर में हिंदुस्तान की ताकत बढ़ाने के लिए इस बाहुबली को कोलकाता में लॉन्च कर दिया गया है। भारतीय सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS विंध्यागिरी को हरी झंडी दिखाई। गुरुवार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कोलकाता के हुगली नदी के किनारे से INS विंध्यागिरी का उद्घाटन किया। दरअसल कर्नाटक के जो विंध्यागिरी माउंटेन रेंज है, उसके नाम पर इस बेहद खूबसूरत और विशाल काय इस जहाज का नाम पड़ा है। दरअसल कोलकाता के शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स के तरफ से जो इसका निर्माण किया गया है, और ये भारतीय नौसेना में शरीक होने वाली एक अहम और खास एक जहाज है जिसका निर्माण कोलकाता में हुआ और उसका एक स्पेशल प्रोजेक्ट 17 के तहत इसका निर्माण हुआ है। और इस प्रोजेक्ट के तहत आखिरी ये एक ऐसा ये जहाज है और जो भारतीय नौसेना को सौंपी जाएगी। INS विंध्यागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए जा रहे 7 नए स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स की सीरीज का 6ठा फ्रिगेट है। देसी स्टेल्थ फ्रिगेट विंध्यागिरी के पास ऐसी ताकत और खासियतें हैं जो उसे लहरों का खतरनाक लड़ाका बनाती हैं। इस युद्धपोत को बेहतर स्टेल्थ फीचर, हाईटेक हथियार, पहले से बेहतर सेंसर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम के साथ तैयार किया गया है। दुश्मनों के होश उड़ाने वाला ये जंगी जहाज 150 मीटर लंबा और 37 मीटर ऊंचा है। ये समंदर की लहरों पर 28 नॉट्स यानी 52 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। INS विंध्यागिरी सतह से हवा में मार करने वाली खतरनाक एंटी एयर मिसाइलों से लैस है। एंटी एयर वारफेयर के लिए इसे बराक 8 मिसाइल दागने की क्षमता से लैस किया गया है। एंटी सरफेस वारफेयर के लिए ये हिंदुस्तान की घातक एंटी शिप मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल दागने में भी सक्षम है, जबकि एंटी सबमरीन वारफेयर में ये वरुणास्त्र दागने की क्षमता रखता है। INS विंध्यागिरी में एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर लगाए गए हैं। इसके साथ ही इसमें 76 mm नेवल गन और ट्रिपल टॉर्पीडो ट्यूब्स लगाई गई हैं। इस फ्रिगेट पर 2 HAL ध्रुव और सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर्स उतर सकते हैं। INS विंध्यागिरी की खासियत ये है कि ये जो है एक लेटेस्ट जनरेशन फ्रिगेट है। इसमें बहुत सारे ऐसे खूबियां और ताकतें हैं जो पहली जहाज में नहीं रही है, और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि इंडिया की जो आत्मनिर्भरता का जर्नी है इससे और भी बढ़ावा मिलता है उसको, क्योंकि ये जो है ये 6ठा जहाज है, हम 7 जहाज बना रहे हैं, तो दिस इज अ ग्रेट एडवर्टाइजमेंट फॉर मेकिंग इन इंडिया और आत्मनिर्भरता। और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही मॉडर्न है, और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इसकी काफी चर्चा होगी इन पूरे, मतलब ये जो P-17B प्रोजेक्ट की बहुत अच्छा एक लाइन है, लाइन ऑफ शिप्स है।
प्रोजेक्ट 17A के बाकी फ्रिगेट्स की तरह ही इसका डिजाइन भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है, जबकि इसका निर्माण कोलकाता की गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी ने किया है। बड़ी बात ये भी है कि ये सभी युद्धपोत मेक इन इंडिया के तहत बनाए जा रहे हैं और इनमें 75% उपकरण स्वदेशी कंपनियों से लिए गए हैं। दरअसल इसका निर्माण भारतीय नौसेना के लिए किया गया है। बहुत ही खास तकनीक इसमें इस्तेमाल की गई है। दरअसल जो प्रोजेक्ट 17A है उसके तहत इसका निर्माण हुआ है और ये तीसरा इस प्रोजेक्ट के तहत तीसरा और आखिरी ऐसा एक वॉरशिप है जो तैयार किया गया है। हम जरा दिखाना चाहेंगे कि इसका भव्य रूप किस तरीके से है और खासकर इस आम वक्त पर इसका तैयारी चल रहा है, क्योंकि इसमें जो नौसेना को ये सौंपा जाएगा और इसमें तमाम वो चीज और एक युद्ध जहाज के लिए उसके निर्माण के लिए जिस तरीके के आधुनिक तकनीक की जरूरत है वो सब इसमें लैस है। लेकिन INS विंध्यागिरी न केवल मेक इन इंडिया की मिसाल है बल्कि ये भारत की समृद्ध नौसैनिक विरासत का प्रतीक भी है। बता दें कि पुराना INS विंध्यागिरी भी एक शानदार लैंडर क्लास फ्रिगेट था जिसने 8 जुलाई 1981 से 11 जून 2012 तक अपनी लगभग 31 सालों की सेवा में कई चुनौतीपूर्ण ऑपरेशंस और बहुराष्ट्रीय अभ्यास देखे थे। जनवरी 2011 में नीलगिरी श्रेणी का फ्रंटलाइन युद्धपोत INS विंध्यागिरी मुंबई बंदरगाह पर एक जर्मन व्यापारी जहाज से टकरा गया था। इस हादसे में हालांकि किसी की जान नहीं गई थी लेकिन आग लगने के बाद जहाज डूब गया था। इस घटना को शांतिकाल के दौरान भारतीय नौसेना को हुए सबसे बड़े नुकसान में से एक के रूप में याद किया जाता है। 2012 में पुराने INS विंध्यागिरी को सेवा मुक्त कर इसे फिर से बनाने की योजना का खाका तैयार किया। पुराना विंध्यागिरी का मैं कप्तान रह चुका से 2006 तक, उनका तकरीबन ओवरऑल 2500 से 3000 टन। अभी ये देखिए 7000 टन की नई विंध्यागिरी है। में कोई मिसाइल्स नहीं थी, सरफेस टू सरफेस मिसाइल सरफेस रेंज की थी। इसमें बहुत एडवांस हेलीकॉप्टर कैरी कर सकती थी, ये 2 हेलीकॉप्टर कैरी कर रही है। फ्लीट जनरेशनल डिफरेंस है नए और पुराने में। यूं भी भारत पिछले कुछ सालों से अभेद्य बनाने में जुटा है। INS विंध्यागिरी इसी सोच का तीन हिंद महासागर में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिशों में जुटा रहना है कि साल 2025 तक चीन साउथ सागर तक अपनी समुद्री ताकत काफी हद तक बढ़ा लेगा। भारत को भी अपनी रक्षा तैयारी बढ़ानी होगी, लिहाजा भारत समंदर में ताकतवर योद्धाओं की नई फौज देखिए काफी कुछ बढ़ेगी। फ्रिगेट कहलाता है लेकिन काफी बड़ा है, तकरीबन टन का ये जहाज है। इसमें सब इस मिसाइल्स है, एंटी एयर मिसाइल्स है, आधुनिक सेंसर्स है, रेडार्स हो, इलेक्ट्रॉनिक, और क्योंकि ये 7 अल्टीमेटली हमारे फ्लीट में अगले 5-7 साल में तो मिलेगा, हमारे फ्लीट स्ट्रेंथ को काफी बढ़ावा, कैपेबिलिटी को। अब भारतीय नौसेना INS विंध्यागिरी के जरिए को मजबूत कर रही है बल्कि एक बार फिर अपने युद्धपोतों या को जिंदा रखने की अपनी परंपरा को भी आगे बढ़ा रही है। INS विंध्यागिरी का पुनर्जन्म हुआ है। रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। अब देखिए भले ही विंध्यागिरी इसके निर्माण की कहानी 1.5 दशक पहले ही शुरू हो चुकी के तहत भारत के इन शक्तिशाली फ्रिगेट्स के निर्माण की राह खोल दी गई। दिखाते हैं कि प्रोजेक्ट 17A क्या है और कैसे इन शक्ति और सामर्थ्य को लगातार बढ़ाता जा रहा है।
INS नीलगिरी, फिर INS हिमगिरी, फिर INS उदयगिरी, फिर INS दूनागिरी, फिर INS तारागिरी और अब INS विंध्यागिरी। भारतीय नौसेना की ताकत को और बढ़ाने के लिए आज प्रोजेक्ट 17A का छठा सिपहसाला सागर की लहरों पर लॉन्च कर दिया गया। आजादी के बाद से अब तक भारतीय नौसेना देश की समुद्री सीमाओं की मजबूत प्रहरी बनी हुई है। समुद्री सीमा की रक्षा के लिए ही नौसेना वक्त और हालात की जरूरत के हिसाब से खुद को आधुनिक और ताकतवर बनाया। सेनाओं में रिफॉर्म करके भारत अपनी सेनाओं को निरंतर आधुनिक बना रहा है। प्रोजेक्ट 17A नौसेना के इसी मकसद का हिस्सा है। आज जिस प्रोजेक्ट 17A के तहत INS विंध्यागिरी लॉन्च हुआ है, सभी के लिए ये बेहद गर्व का विषय है। आज हम सभी गौरवान्वित हैं। उस प्रोजेक्ट का इतिहास 14 साल पुराना है। शक्ति के साथ भारतीय नौसेना का सामर्थ्य बढ़ाने के इरादे से भारत के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने साल 2009 के जून महीने में इसका कॉन्सेप्ट अप्रूव किया था। ये प्रोजेक्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक सीरीज के निर्माण के लिए शुरू किया गया था। 2013 में इसके डिजाइन तैयार कर लिए गए। इसके बाद मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी को 7 नीलगिरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया। इसके बाद भारतीय नौसेना ने 2019 में प्रोजेक्ट 17A यानी प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट को लॉन्च कर दिया था। 17A के तहत 7 नीलगिरी क्लास युद्धपोत नौसेना के लिए बनाए जाने का करार हुआ था, जिनमें से 5 स्टेल्थ फ्रिगेट पहले ही लॉन्च की जा चुकी है। इस प्रोजेक्ट के सभी फ्रिगेट के नाम भारत की पर्वत श्रृंखलाओं पर रखे गए हैं। इसमें 4 फ्रिगेट मझगांव डॉक लिमिटेड को बनाने थे, जिसमें नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी शामिल है, जबकि 3 फ्रिगेट गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता बना रहा है। इसमें हेमगिरी, दूनागिरी और विंध्यागिरी शामिल है। स्टेल्थ फीचर का मतलब होता है कि उसका रेडार क्रॉस सेक्शन हो या इलेक्ट्रॉनिक क्रॉस सेक्शन हो या अंडर वाटर नॉइज हो, वो काफी कम होता है। इसका मतलब दुश्मन के रेडार्स को डिटेक्ट करने में बहुत मुश्किल होता है, दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को डिटेक्ट करने के लिए मुश्किल होता है, दुश्मन के सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए मुश्किल होता है। स्टेल्थ सिस्टम्स जब हम लेके आते हैं, स्टेल्दी जहाज बनाते हैं, उसका मतलब उनका इलेक्ट्रॉनिक और नॉइज सिग्नेचर जो है वो बहुत ही कम रहता है। प्रोजेक्ट 17A के तहत लॉन्च किया गया पहला स्टेल्थ शिप नीलगिरी था, जिसे 28 सितंबर 2019 में लॉन्च किया गया। उम्मीद की जा रही है कि इस साल के अंत तक इसे भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा। प्रोजेक्ट 17A का दूसरा फ्रिगेट हिमगिरी था। INS हिमगिरी को 14 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट 17A का तीसरा फ्रिगेट था INS उदयगिरी, जिसे 17 मई 2022 को लॉन्च किया गया था। उम्मीद है कि इसे अगले साल तक नौसेना के बेड़े में शामिल कर दिया जाएगा। INS दूनागिरी के रूप में 15 जुलाई 2022 को प्रोजेक्ट 17A का चौथा फ्रिगेट लॉन्च किया गया था। जबकि INS तारागिरी प्रोजेक्ट 17A का पांचवा फ्रिगेट था, जिसे 11 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। उम्मीद की जा रही है कि ये साल 2025 तक नौसेना को सौंपे जाने के लिए तैयार हो जाएगा। प्रोजेक्ट 17A के तहत बन रहे इन फ्रिगेट्स की सबसे खास बात है इनका स्टेल्थ फीचर, जो इन्हें समुन्दर का साइलेंट किलर बनाता है। 17 ये है, यही 17A 17A जो नीलगिरी क्लास के है। पुराने जो नीलगिरी क्लास थी वो 6 थी, नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी और विंध्यागिरी। जैसे नाम से पता चलता है ये अलग अलग इंडियन माउंटेन रेंजेस के ऊपर
नाम किए गए हैं टू रिफ्लेक्ट द नेशनल इंटीग्रेशन एंड द डाइवर्सिटी एंड द प्लेंटी ऑफ इंडिया जो नेचुरल फीचर्स जो होते हैं। जो नए 17A में हमने एक और ऐड किया है महेंद्रगिरी करके। INS विंध्यागिरी के बाद प्रोजेक्ट 17A का सातवां और आखिरी जंगी जहाज महेंद्रगिरी मुंबई में अगले महीने समुद्र में लॉन्च किया जा सकता है। माना जा रहा है कि 2024 में ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट भारतीय नौसेना को मिलने शुरू हो जाएंगे। पुराना गिरी क्लास शिप्स स्टीम प्रोपल्शन थे, लेकिन ये शिप्स तो गैस टरबाइन और डीजल प्रोपल्शन है, मतलब तो बहुत तेजी से जा सकता है। और जो वेपनरी जो नीलगिरी क्लास शिप्स में फिट किए थे वो तो उस जमाने का एडवांस वेपन्स थे, लेकिन जमाना अभी बदल गया। ओवर द लास्ट 40 ईयर्स द टेक्नोलॉजी एस्पेशली इन वेपन सिस्टम्स हैज टेकन मल्टीफोल्ड लीप। सो जो टेक्नोलॉजी एस्पेशली इन वेपन सिस्टम इसमें जो इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ल्ड से मोस्ट एडवांस्ड है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है, LR SAMs है, सोनार्स है। सो द बेस्ट काइंड ऑफ वेपन्स एंड सेंसर्स आर फिटेड इन द शिप्स, दैट इज द डिफरेंस। हिंदुस्तान को महफूज रखने में नौसेना बेहद अहम किरदार निभाती है। भारत तीन तरफ से समंदर से घिरा है, लिहाजा दुश्मन के हमले का खतरा भी तीन तरफ से होता है। ऐसे में नौसेना अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में अपने ताकतवर लड़ाकों को तैनात रखती है। स्टेल्थ फीचर से लैस नीलगिरी क्लास के इन फिगर्स की कमीशनिंग के बाद भारत की नौसेना को अभूतपूर्व ताकत मिल जाएगी। समुद्री सीमा की रक्षा में सागर की ये प्रहरी बेहद अहम साबित होंगे और समंदर में हिंदुस्तान का सुरक्षा घेरा और मजबूत हो जाएगा। कोलकाता से ऋतिक मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, निशुल्क। इंडियन नेवी का जोर स्वदेशी क्षमता बढ़ाने पर है और भारत में ही नेवी के लिए अलग अलग फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर बन रहे हैं। नेवी से जुड़ी खबरों में अक्सर आप युद्धपोत और डिस्ट्रॉयर जैसे शब्द तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन फ्रिगेट शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर इतना नहीं किया जाता। फ्रिगेट विंध्यागिरी लॉन्च हुआ है, आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि आखिर फ्रिगेट होता क्या है और ये दूसरे वॉरशिप से अलग कैसे होता है। सीधी सी लैंग्वेज में कहूं तो फ्रिगेट्स जो होते हैं एक तरह के मल्टीपर्पज जहाज होते हैं। पुराने जमाने में एयरक्राफ्ट कैरियर तो हम जानते हैं, लेकिन उसके बाद क्रूजर्स, बैटलशिप्स, डिस्ट्रॉयर्स होते थे। तो फ्रिगेट्स जो है एक तरह के, हम उसको बोलते हैं यूटिलिटी ऑलराउंडर, जो हम क्रिकेट में बोलते हैं वो फ्रिगेट का काम है। वो एंटी एयरक्राफ्ट फंक्शन भी कर सकता है, एंटी सबमरीन फंक्शन भी कर सकता है, कभी जरूरत पड़ी तो कमांड एंड कंट्रोल प्लेटफॉर्म मतलब एडमिरल का जहाज भी बन सकता है, जरूरत नहीं पड़े तो दूसरे काम सरफेस स्ट्राइक ग्रुप, सर्च एंड एक्शन ग्रुप, एंटी सबमरीन ग्रुप, हर चीज में। ये एक फ्रिगेट जो है एक ऑलराउंडर की तरह है, इसमें सब खूबियां हैं और काफी सारे कैपेबिलिटीज हैं। अभी जो है हमारे पास ब्रह्मपुत्र क्लास फ्रिगेट्स हैं जो तकरीबन अर्ली 2000 से दे जॉइन द इंडियन नेवी। उसके बाद शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स हैं और वो 2010 से 2013-14 जॉइन किया। तलवार क्लास के जो है फ्रिगेट्स हैं और अभी जो ये नीलगिरी क्लास के, नए नीलगिरी क्लास के ये फ्रिगेट्स होने वाले हैं। भारतीय नौसेना को कुल 7 नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स मिलने वाले हैं। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं और दिखाते हैं कि इस वक्त भारत के पास कुल कितने फ्रिगेट्स हैं। नेवी के पास अभी कुल 12 फ्रिगेट्स हैं। इनमें सबसे आधुनिक शिवालिक क्लास फ्रिगेट है। शिवालिक क्लास फ्रिगेट ही सबसे भारी भी है। भारत के पास 3 शिवालिक क्लास फ्रिगेट हैं। इनका नाम शिवालिक हिल्स के नाम पर रखा गया है। इनमें पहला फ्रिगेट है INS शिवालिक। शिवालिक क्लास का दूसरा फ्रिगेट है INS सतपुड़ा और इस क्लास का तीसरा फ्रिगेट का नाम है INS सरहाद्री। शिवालिक क्लास के फ्रिगेट्स का वजन 6200 टन होता है। इसके अलावा भारत के पास तलवार क्लास के 6 फ्रिगेट हैं। इनके नाम हैं INS तलवार, INS त्रिशूल, INS तबार, INS तेग, INS तरकश और INS त्रिकंड। तलवार क्लास के फ्रिगेट का वजन 4000 टन के करीब है। भारत के पास मौजूदा फ्रिगेट्स की जो तीसरी क्लास है वो है ब्रह्मपुत्र क्लास। इस क्लास के भी भारत के 3 फ्रिगेट हैं। इनमें पहला आता है INS ब्रह्मपुत्र। INS व्यास ब्रह्मपुत्र क्लास का दूसरा फ्रिगेट है, जबकि इस क्लास के तीसरे फ्रिगेट का नाम INS बेतवा है। ब्रह्मपुत्र क्लास के फ्रिगेट्स का वजन 3850 टन है और अब भारतीय नौसेना को नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट भी मिलने वाले हैं।
और देखिए बीते कुछ सालों में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नौसेना के बेड़े में कई हाईटेक हथियार और युद्धपोत शामिल हुए हैं और अब इन युद्धपोतों की सहायता से भारत सरकार ने 5 फ्लीट सपोर्ट शिप के निर्माण के लिए 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ये शिप युद्धपोतों को ईंधन, भोजन, गोला बारूद मुहैया करवाने में मददगार होंगे। देश में इन पोतों के निर्माण से भारतीय वायुसेना की और नौसेना की आत्मनिर्भरता को और भी ज्यादा मजबूती मिल जाएगी। और चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।